गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पी सिंपल कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग ओलंपियाड मैथ स्टडी करेंगे क्लास टेंथ बेस के लेवल की, ठीक है। तो अभी हमने दो क्वेश्चंस लिया हूँ, ये क्वेश्चंस आपका क्लास टेंथ की है रियल नंबर की चैप्टर में से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, इफ़ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/9 देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू चार ऑप्शन में से कौन सा होगा पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया रैशनल, दूसरा इरैशनल, तीसरा कॉम्पोजिट और डी जो है इंटीजर, ये चार में से कौन होगा। इसकी सही आंसर बी है। अब देखते हैं बी सही क्यों हो रहा है, चेक करते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/9। तो मैं ये सबको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जब बी मेरा आंसर सही होगा तो थोड़ा स्पेस लेकर के मैं हल करता हूँ। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमको, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/9। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो एक्स जैसे ही होंगे इधर क्या आ जाएंगे, रूट लग जाएंगे 5/9 प्लस माइनस। अब बताइए फाइव रूट फाइव की वैल्यू कितनी होंगे, रूट फाइव ही रहेंगे, और नाइन का कितने होंगे 3 प्लस माइनस। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1/3 रूट फाइव लिख सकते हैं, क्लियर। अब 1/3 रैशनल नंबर है, रूट फाइव इरेशनल, रैशनल के साथ इरेशनल जैसे ही मल्टीपल होते हैं वो नंबर क्या बन जाता है, इरेशनल, ठीक। इसीलिए हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है। पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, मैं पहला क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ ताकि हमको स्पेस मिल जाए, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ 112 मतलब 112 बराबर कैसे लिखा गया, q इंटू 6 प्लस r देन द वैल्यू ऑफ r, r ये चार ऑप्शन में इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है b। अब चेक करते हैं b क्यों हो रहा है, तो e जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, ठीक। जहाँ मतलब हो यार क्या है, r जो है जीरो से बड़े होंगे या फिर जीरो के बराबर होंगे और लेस देन b होंगे, ठीक। तो इस केस में हमारा b जो है 6 है, ये b कितना है 6 है और ये कितना है 1/112, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे r की वैल्यू कितना होगा, तो r लेस देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन बी, बी मीन्स कितनी है यहाँ पे 6। अब बताइए आर की वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर। तो जीरो तो होगा, देखिए इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं, इसमें जीरो, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, ठीक। अब जीरो से बड़ा, 6 से छोटा, तो 6 से छोटा मतलब 5 तक, तो इसलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं दिया था, इसीलिए बी ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने दो क्वेश्चंस लिए थे रियल नंबर्स में से आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास टेंथ बेस लेवल ओलंपियाड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस करवाऊँगा। इसके बाद मैं अगला वीडियो में NTSC पेपर जो है 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस उसको हल करवाऊंगा, ठीक है।